40,000 में दुबई घूमना, वो भी 3 days में। चलो आपको भी सरप्राइज लगा ना, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन 40,000 में आप 3 दिन दुबई कैसे घूमते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 40,000 के बजट में आप 3 days दुबई में कैसे घूम के आते हैं उसके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबका ड्रीम होता है कि भाई दुबई तो एक बार घूमने जाना ही है, क्योंकि यूनाइटेड एमिरेट्स के अंदर का सबसे बेस्ट सिटी दुबई है। अगर आपको दुबई में जाना है तो 5 places ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसको बोलते हैं बुर्ज खलीफा। सबका ड्रीम होता है कि वहीं पे एक बार तो जाए ही जाए, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है। दूसरा आ रहा है लार्जेस्ट मॉल इन दी वर्ल्ड, दुबई मॉल है जो सबसे बड़ा मॉल है, जिसमें 1200 से ज्यादा आउटलेट्स है, उसके अंदर शॉप्स है जिसके अंदर आप शॉपिंग कर सकते हो। थर्ड वन है दुबई के अंदर सबसे बड़ा एक्वेरियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, जहाँ पे आप बहुत सारे वैरायटीज के ऊपर एक्वेटिक चीजें देख सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद है वर्ल्ड फेमस 7-star होटल बुर्ज अल अरब, जिसकी फैसिलिटीज और उसकी जो भी 7-star में जो फैसिलिटीज आती है वो आपको एंजॉय करने का चांस मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन मेड पाम जुमेरा आइलैंड, वो लाइफ में एक बार उसके देखने का चांस आपको लेना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं day 1 के बारे में। जो जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 3 दिन के अंदर आप दुबई कैसे घूम सकते हो, दुबई को एक्सप्लोर करने के लिए 3 दिन तो काफ़ी है। उसमें में जो जो मेन चीज़ें हैं, जो दुबई का मेन अट्रैक्शन है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है, सो day 1 के लिए आपको क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी उसके बारे में बताती हूँ, ठीक है। पर उससे आगे हम day 1 से आगे जा सकते हैं दुबई का आने जाने का खर्चा। तो दुबई को रिटर्न टिकट आपको मिलेगी अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 20,000 के बीच में रिटर्न मिल जाएगी। तो आप GoIBIBO से या बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन पोर्टल से जहाँ पे जाके टिकट्स बुक करवा सकते हो रिटर्न टिकट। और सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वैसे दुबई पूरे साल में कभी भी आप घूम सकते हो, लेकिन नवंबर से मई महीने के टाइम में सबसे ज्यादा लोग दुबई में घूमने के लिए आते हैं। तो ये चांस दुबई घूमने का सबसे बेस्ट चांस होता है। नाउ बैक टू द पॉइंट, day 1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको day 1 के लिए प्लान कर रहे हो तो होटल बुकिंग का देखना पड़ेगा। तो होटल बुकिंग के अंदर आपको 3,000 से 6,000 की होटल मिल जाएगी, GoIBIBO से आप बुक कर सकते हो, इजीली मिल जाती है, तो वहाँ पे इतना एक्सपेंस नहीं रहता। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि दुबई की जो करेंसी होती है वो दिरहम होती है, तो दुबई एयरपोर्ट से आप करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हो। जैसे इंडिया के करेंसी के हिसाब से 20 रुपीज़ जितना बनता है, तो जो भी खर्चा आता है उसका 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई करके आपका काउंटिंग कर सकते हो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और करेंसी एयरपोर्ट पर आप एक्सचेंज कराने के बाद 3 वे आपके पास रहते हैं घूमने के लिए दुबई में। पहला होता है लोकल ट्रांसपोर्ट, सेकेंड रहता है दुबई की मेट्रो, एंड थर्ड वन रहती है कार। कार में भी वहाँ पे उबर सर्विसेज मिल जाती है, तो उबर कार आपको यूज़ करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन कंपेयर टू दुबई मेट्रो एंड लोकल ट्रांसपोर्टेशन उबर आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो वो आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ अगर आपको मेट्रो में घूमना है तो दुबई की हर जो भी पॉपुलर प्लेसेस है हर जगह पर मेट्रो जाती है, तो 5 दिरहम का कार्ड आप परचेस करके उसको रिचार्ज करके 3 दिन में जहाँ घूमना है आराम से घूम सकते हो। day 1 के अंदर सबसे पहले आपको जाना है मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन के अंदर दुनिया की हर एक वैरायटीज के फ्लावर्स आपको मिलेंगे, फ्लावर्स के जितने भी अलग अलग डिजाइंस किए हुए हैं यहाँ पे आपको पूरे स्क्रीन पे दिखाई देंगे कि कितनी तरह के फ्लावर्स है, किस तरह से उनको डेकोरेट किए हैं, किस तरह का टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। और उसका जो भी खर्चा रहता है 800 के आसपास रहता है, उसकी टिकट रहती है, तो वो लेके आपको पूरा गार्डन में घूमना है। और मेट्रो भी आपको नियर बाई लोकेशन पे ड्रॉप कर देगी, वहां से आपको बस में बैठ के जाना है गार्डन देखने के लिए। उसके बाद नियर लोकेशन पर है दुबई मॉल, दुबई मॉल में आपको पूरा दिन घूमना है। मैं इसी तरह का आपको प्लान बता रही हूँ कि सुबह जाओ आप पूरे गार्डन के अंदर, फ्रेश फ्लावर होते हैं तो वहाँ पे आप एंजॉय करो पूरा। उसके बाद थोड़ा थकान हो जाती है, थोड़ा दिन की शुरुआत हो जाती है और आपको भूख भी लगती है और थोड़ा मूड होता है शॉपिंग का, तो फिर दुबई मॉल में जाओ। वहाँ पे 1200 जितनी शॉप्स है वहाँ पे, जिसमें जो टॉप पॉपुलर्स जो भी ब्रांड है, अरमानी है, गुच्ची है, वो सारे ब्रांड में
आप देखो वहां पे, आप शॉपिंग करो, उसके बाद वहां पे 150 प्लस फूड कोर्ट है, तो उसके अंदर जाके आप आपका जो भी खाना वगैरह होता है, लंच होता है, वो आप कंप्लीट कर दो। तो उस तरह से आपका पूरा दिन का प्लान करो। वहां पे आपको एक्वेरियम भी है दुबई मॉल के पास, तो वो एक्वेरियम की फीस आपको 3000 के आसपास रहेगी, तो पूरा वो आप एक एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज के फीस वगैरह देख सकते हो, तो आपका दिन और भी मस्त हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे शाम होती है, तो शाम को आपको जाना है दुबई फाउंटेन शो के लिए, जो 7:30 से लेके 10 बजे के बीच के अंदर पूरे फाउंटेन शोज रहते हैं। आधे आधे घंटे के बीच में ये फाउंटेन शोज चलते हैं, तो आपको उसी तरह से प्लान करना है कि शाम होते ही आप ये फाउंटेन शो के नियर बाय चले जाओ, जिसके अंदर आप आराम से बैठ के पूरा फाउंटेन शो म्यूजिक के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो उस तरह से आपका फर्स्ट डे का पूरा प्लान करना रहेगा, ताकि आप पूरा इजीली बिना हेजिटेट करके पूरा दिन आराम से एक 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 फेमस दुबई के फेमस प्लेसेस को देख के एंजॉय कर सकते हो। अब हम बात कर रहे हैं डे टू के बारे में। तो डे टू जैसे आपका चालू हो जाता है, उसमें सबसे पहले आपको जाना है मरीना बीच में। मरीना बीच के आसपास जैसे जाओगे, वहां पे आपको सामने मिलेगा फेरी व्हील। फेरी व्हील में अगर आपको बैठना है, तो उसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट रहेगी 3000 के आसपास। उसके बाद आपको क्रूज में घूमना है, तो क्रूज में आपको डिनर करना है या लंच करना है, तो क्रूज का जो भी खर्चा रहता है आपका 4-6000 रुपीज के आसपास रहता है, कि आप किस तरह की सर्विसेज लेते हैं। उसके बाद वहां पे स्पीड बोट का एंजॉय करना है, तो 2000-4000 के बीच में स्पीड बोट का भी आप एंजॉयमेंट ले सकते हो। और जैसे इवनिंग होती है, तो इवनिंग में आपको डेजर्ट सफारी में जाना रहता है, तो वहां जैसे डेजर्ट सफारी में जाते हो, तो सैंड्यूज और कैमल राइडिंग आपको करनी रहती है। उसके साथ वहां पे आपका डिनर भी अरेंज हो जाता है, तो आप इजीली ये पूरी इवनिंग को एंजॉय कर सकते हो। सो अब हम बात कर रहे हैं डे थ्री के बारे में। डे थ्री के अंदर आपको जाना है अबू धाबी के अंदर। अबू धाबी में दो फेमस चीजें आपको देखनी है। सबसे पहला है ग्रैंड मॉस्क्यू एंड सेकेंड वन है फेरारी वर्ल्ड। फेरारी वर्ल्ड अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, तो बच्चों को बहुत मजा आएगा, बिकॉज ऑफ वहां पे फेरारी की जो भी स्पॉट मॉडल होती वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको बहुत सारी राइड और एक्टिविटी करनी है वहां पे, तो फेरारी वर्ल्ड में आप वो भी देख सकते हो। और मॉस्क्यू है, वहां पे जाके आप पूरा मॉस्क्यू को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें अबू धाबी में हो गई। उसके बाद आपको दुबई में गोल्ड लेने के लिए गोल्ड मॉल में आना पड़ेगा। वहां पे जो 24 कैरेट का प्योर गोल्ड मिलता है, अगर जो सोने के लिए दुबई में जाना है कि भाई हम जा रहे हैं, तो दुबई से कुछ सोना अपने लिए लेके आए, तो वहां पे गोल्ड मार्केट में जाके आप 24 कैरेट का प्योर गोल्ड लेके आ सकते हो। तो इसी तरह से आप पूरे 3 दिन का दुबई का प्लान कर सकते हो। और दुबई में बहुत सारे और छोटी छोटी जगह भी है, वो आपको अपने हिसाब से लोकल जो भी लोग होते हैं, या फिर वहां पे काफी एप्लीकेशंस होते हैं, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, होटल बुकिंग है, या फिर हर जो जो छोटी चीजों में बुकिंग्स है या एप्लीकेशन रिलेटेड जितनी भी लिंक्स है, मैं वो लिंक बॉक्स में डाल दूंगी, वो आप एक बार देख लेना। तो पूरे 3 दिन का मैंने आपको प्लान बता दिया। अब मेरी जब स्क्रीन लास्ट में होती है, तो आपको पूरा बजट दिखा दूंगी कि किस तरह से 40,000 को हमने कट करके पूरा 3 दिन का दुबई का बजट बनाया है। सो आपको भी कभी भी प्लान करना हो, तो इजीली आप प्लान कर सकते हो दुबई घूमने के लिए। सो मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।